देवेंद्र फडणवीस एक सक्रिय नेता है। 2.5 साल पहले वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया गया। महागठबंधन सरकार के 2.5 साल के काम के कारण हमें लोकसभा में अधिक सीटें मिली है। उन्हें इसी तरह प्रदर्शन करना चाहिए ताकि हमें विधानसभा में अच्छी सफलता मिले, इसलिए उन्होंने मंत्री पद पर बने रहना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया विजय वड्डेटीवार द्वारा देवेंद्र फडणवीस की पत्र परिषद को लेकर जो वक्तव्य किया है उस पर दी है। वो रिजाइन करना नहीं करना वो उनका अधिकार होता है, पर चुनाव की में हार की जिम्मेदारी तो नेता होता है, शीर्ष नेता स्टेट का, उसी के ऊपर होती है। जब यश मिलता है या जीत मिलती है तो वे भी जिम्मेदारी होती है, और हार होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये दोनों में अगर देवेंद्र जी ये चाहते कि जिम्मेदारी से मुक्त हो, वो फिर सेंट्रल में तो है ही नहीं, स्टेट में है। हो सकता है कि 2.5 साल पहले उनकी जो मंशा थी सीएम बनने की वो पूरी नहीं हुई, आज रिजाइन करके उनकी नजर थाना के कुर्सी थाने कर जो है सीएम उनके कुर्सी पर होगी, तो वो मिलाने के लिए उन्होंने ये बात कही होगी। इससे मुक्तल देना नहीं देना ये उनके हाईकमान का अधिकार है, उनके पक्ष के अंदर की बात है। मैं इतना ही चाहूंगा और मैं इतना ही कहूंगा कि देवेंद्र जी बने रहे, उनके महाविकास उनके महायुति की सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 2.5 साल में किया, इसीलिए हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, महाविकास आघाड़ी को यश मिला। तो वो पद पर बने रहे और उत्तम काम करते रहे, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट हमको दिलाएंगे, यही मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ।